जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली का मौसम चल रहा है, बसव कल्याण में इस साल दिवाली की चकाचौंध, मगर गुज़िश्ता दो सालों से इस साल दिवाली की खुशियों से खुशियां गिरा अवाम पर सिर्फ और सिर्फ बारिश की कमतरी और डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की वजह से। गुज़िश्ता साल जो फूल 20 रुपए या 30 रुपए किलो मिलते थे, इस साल उनकी कीमतें बढ़ाकर 80 रुपए किलो कर दी गई हैं, और दुकानदार की किरायों का जो किराया हुआ करता था इस साल वो भी बढ़ा दिया गया है, और बारिश ना होने की वजह से कई सारे फसलों की कीमत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अवाम महंगी चीजें खरीदने पर आमादा है। कारोबार बहुत डिम है इससे। अच्छा, तो मतलब इस दिवाली के मौके पर भी जो है ना पानी ना होने की वजह से, बारिश ना होने की वजह से आपके कारोबार में थोड़ी सी कमी वाकई हुई है इस वक्त, वरना हर दिवाली आपका मुनाफा अच्छा खासा हो जाता है। अच्छा होता है ये साल, जरा डिम है सर, बहुत डिम है। मतलब इस बार धंधा मांदी है सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से। इस वक्त हम जो है गन्ने की मार्केट तरफ कह रहे हैं, एक ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं हमारे घर की सजावट की शोभा बढ़ाती है। जी साहब, आप कहाँ से? आप बसो कल्याण आरंभ करोस। अच्छा, अब कितने सालों से यहाँ पर ये इस गन्ने का कारोबार कर रहे हैं? ये 20 साल से करते आते हम। 20 साल से, तो अब तक का आपका सबसे ज्यादा मुनाफा आपको कब हुआ था? बस 2-3 हजार रुपए मिलता है, घर का खर्चा निकलता है, पेट रोजी चलता उतना। ये आप लाते कहाँ से हो? ये गुलबर्गा से लेकर आते, हैदराबाद से लेकर आते, शोलापुर से लेकर आते, खरदी माल लेकर आते। 40 मिलता 10 रुपए किलो के हिसाब से, 10 रुपए मिलता हमारे को भी। तेलों का भी जरा कम हो गया है और दुकान में भी जरा कम हो गया है, ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा हो गया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बारिश ना होने की वजह से कहीं ना कहीं सभी लोगों की दिवाली इस वक्त जो है ना थोड़ी सी महंगी हो चुकी है। बहुत ही मुकद्दस और बड़ी ईद मानी जाती है, जिसको खरीदारी के लिए, मनाने के लिए, सजावट के सामान के लिए कई लोग बाजार जाते हैं। तो हमारे पूछने पर हमें कई लोगों से जवाब मिला कि इस मर्तबा कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से दिवाली थोड़ी सी गिरा गुजर रही है, मगर हमें इन तमाम चीजों को कबूल कर लेना चाहिए। तो इन तमाम चीजों के अलावा लोग बड़े ही जोर शोर से, धूमधाम से पटाखे जलाकर अपनी दिवाली मना रहे हैं। प्रॉब्लम हो रहा है बिजनेस में, लेकिन फिर भी एवरेज है बिजनेस में। इसी न्यूज के साथ ये दिवाली बहुत अच्छी तरह से हो रही है बसो कल्याण की, और सभी बसो कल्याण के हिंदू भाइयों के लिए केबीएन के तरफ से, केबीएन की टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। किसान थोड़े बढ़ने की वजह से थोड़े कारोबार कम हो रहे हैं, ग्राहक थोड़े कम हो रहे हैं रेटा बढ़ने की वजह से, फिर भी साल में एक दीपावली करते हैं थोड़ा ठीक है। और हमारे तरफ से सभी हिंदू भाइयों को दीपावली मुबारक।